इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स रेटिंग देखिए सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है वो रेट जिसमें एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस के लिए इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन के लिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर यानी कि घर की दूसरी चीजों को चलाने के लिए जो बिजली से चलती हैं, उसको चलाने के लिए जिस पावर का यूज किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और जो पावर होती है वो इज इक्वल टू होती है वर्क अपॉन टाइम के तो जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम के भी इक्वल होती है यानी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम तो जो जो तो वर्क हो रहा है जो वर्क है वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है जो कि हमने लास्ट टॉपिक में किया था और आई इज इक्वल टू किसके के इक्वल होता है आई इज इक्वल तो यहाँ पे हमने भी v i स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पुट करेंगे तो r स्क्वायर से r कट जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन rt रह जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये i v r के इक्वल होता है v r की जगह तो i आ जाएगा स्क्वायर है तो एक v लग जाएगा क्योंकि v r ही है ना स्क्वायर तो नहीं लिया तो v i t के इक्वल आ जाएगा अब यहाँ पे P इज इक्वल टू आई स्केर आर के इक्वल होगा अब यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू आई स्केर आर है यानी कि आई वीयर अपॉन आर के इक्वल क्योंकि आर से आर कैंसल यहाँ पे वी स्केयर अपोन आर स्केर आएगा ना आर से आर कैंसल हो गया तो वीस स्केयर अपोन आर रह गया स्केयर से आर कैंसल हुआ तो पावर क्या रह गई वी स्केयर अपोन आर यानी पी इज इक्वल टू वी इन IK, I के के V upon R, तो V तो तो आ जाएगा तो जो जो होती 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 है 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 की की वो होता ये पे क्या देखेंगे में लेते हैं वन एम्पियर और पावर इज इक्वल टू वन वाट तो वाट की डेफिनेशन क्या होगी कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन उसको हम पावर वन वाट तब बोलेंगे यानी वन वाट तब बोलेंगे जब वन एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होगा और जब वो कनेक्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि जो पोटेंशियल वी जो होगा वन वोल्ट होगा तब तो इस तरह से हम वाट की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वन किलो वाट इज इक्वल टू होता है वन थाउजेंट वाट के वन किलो वाट वन थाउजेंड वाट के इक्वल होता है और वाट जो है ये स्मॉलर यूनिट होती है पावर की ये वाट की डेफिनेशन होगी नेक्स्ट है जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है बीओ टीयू यानी कि वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू होती है वन किलो वाट और टू वन के डब्ल्यू एच देख जो एनर्जी होगी वन किलो वाट और के वो स्पेंड होगी जब एक इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन वन किलो वाट का यूज किया जाएगा वन और यानी कि वन किलो वाट इज इक्वल टू होगी वन की देखिए वन किलो वाट और की बात हो रही है वन किलो वाट और इज इक्वल टू वन किलो वाट इन वन एच यानी कि वन किलो वाट यानी वन थाउजेंड वाट इंटू वन, वन और यानी कि थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है ना तो ये 3.6 पॉइंट सिक्स मेगा तो यहाँ पे आप रेटिंग दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायसेज की अब देखिए जो रेटिंग होती है अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायसेज में तो उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि मान लीजिए बल्ब है वो 60 वाट का है और 220 वोल्ट जो कि पोटेंशियल है उसके अक्रोस इसका मतलब है कि जो बल्ब है उसके अक्रॉस 220 ट्वेंटी का पोटेंशियल है लेकिन वो उसमें से क्या कर 60 वाट को कंज्यूम कर रहा है तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो पी जो पावर पावर होती है पी रेटेड रेटेड पावर होती है अपॉन आर के इक्वल होगी जो रेटेड होगी यानी कि वी कियर वीस कियर रेटेड अपॉन आर के इक्वल होगी वीस केयर यानी कितनी है 220 वोल्ट 220 ट्वेंटी स्केयर और R कितना है 60, 60 यानी कि 806.67 ओम्स के। अब इसमें करंट रेटिंग क्या होगी? करंट रेटिंग P is equal to V into I के इक्वल होता है, पावर वोल्ट इनटू करंट के इक्वल होती है तो करंट I is equal to V upon P के इक्वल होता है। V 220 वोल्ट, पावर 20 वोल्ट, यानी कि 3.67 एम्पीयर। ये करंट की रेटिंग होगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की जो फ्लो करेगा बल्ब में बिना किसी डैमेज के तो ये रिप्रेजेंट करती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू